हेलो दोस्तों, नमस्ते। स्वागत है आपका सुनीतास केकरी एंड फूड्स में। आज हम लेके आए हैं लस्सी बनाने की रेसिपी। तो अब गर्मी भी शुरू हो गई है दोस्तों, तो इस तरह से लस्सी बना के हम अगर एक गिलास पी लें तो हमें दिन भर ताज़गी महसूस होगी और हमारे पेट को भी ठंडाई मिलेगी और एनर्जी भी फील होगी हमें। तो नवरात्रि में तो इस तरह से नवरात्रि के व्रत में लस्सी बना के पीना तो बनता है। तो चलिए फटाफट से यहाँ पे हम लस्सी बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैंने घर की जमाई हुई दही ले ली है दोस्तों, और यहाँ पे मैंने इसमें 3 चम्मच पिसी हुई चीनी डाल दी है। अब हम इसे खूब बढ़िया से फेंट लेंगे। यहाँ पे हम दही को जितना बढ़िया फेंटेंगे लस्सी हमारी उतनी ही बढ़िया बन के रेडी होगी। तो इसे हम खूब अच्छे से फेंट लेते हैं। हम यहाँ पे पानी का बिल्कुल इस्तेमाल नहीं करेंगे, और यहाँ पे मैंने बर्फ भी नहीं डाला है क्योंकि हमारा दही एकदम चिल्ड है। तो हम यहाँ पे बर्फ भी नहीं डालेंगे, दही हमारी एकदम बढ़िया गाढ़ी रहनी चाहिए, तो इसलिए हम पानी का बिल्कुल यूज़ नहीं करेंगे। और ये बहुत ही अच्छा, गर्मियों के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमने दही को कितना बढ़िया फेंट लिया है। तो यहाँ पे हमारी लस्सी बिल्कुल रेडी है। तो चलिए इसे अब हम कूलर में सर्व करते हैं। मैं यहाँ पे कूलर में सर्व कर रही हूँ। अगर आपको कांच की ग्लास में पसंद है तो आप उसमें भी सर्व कर सकते हैं, मगर इसे कूलर में सर्व करते हैं दोस्तों तो बहुत ही बढ़िया दिखता है। तो यहाँ पे देखिए हमारी लस्सी रेडी है। चलिए इसमें हम मलाई डाल देते हैं। यहाँ पे मैंने 1-1 चम्मच मलाई इसमें डाल दिया है। अब इसे मैं बादाम से डेकोरेट करती हूँ। अगर आपके पास इलायची पाउडर है तो फ्लेवर के लिए आप इलायची पाउडर भी डाल सकते हैं, केसर भी डाल सकते हैं। मैंने यहाँ बादाम से डेकोरेट किया है। तो देखिए दोस्तों, यहाँ पे हमारी लस्सी बिल्कुल रेडी है। तो है ना बिल्कुल इजी इसे बनाना। तो इस तरह से लस्सी आप भी बनाइए और गर्मियों में लस्सी का मज़ा लीजिए। ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा मुझे कमेंट करके प्लीज़ बताइए। मुझे यकीन है आप सब लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा होगा। तो अच्छा लगा होगा दोस्तों तो इस वीडियो को आप लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि इसी तरह नए नए वीडियो मैं आप सब लोगों के लिए लेके आते रहूं, आप सब लोगों के साथ शेयर करते रहूं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्ते।